हेलो, आज हम लोग बात करेंगे वेल्डिंग के बारे में। वेल्डिंग प्रोसेस क्या है और इस पे कैसे काम करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं वेल्डिंग क्या है। वेल्डिंग एक तरीके की जॉइनिंग प्रोसेस है, जहाँ पर हम लोग किन्हीं भी दो विभिन्न धातुओं को एक दूसरे के साथ जोड़ सकते हैं ऊष्मा उत्पन्न करके। इसमें हम लोग प्रेशर का अप्लाई करते हैं या फिर नहीं अप्लाई करते हैं, डिपेंड करता है हमारी रिक्वायरमेंट पे। इसी तरीके से फिलर मटेरियल भी हमें किस तरीके का चाहिए, ये डिपेंड करता है, चाहिए नहीं चाहिए ये रिक्वायरमेंट पे डिपेंड करेगा। अब हम बात करेंगे कि वेल्डिंग प्रोसेस हमारी कितने तरीके की होती है। तो वेल्डिंग को क्लासिफाई किया गया है गैस वेल्डिंग, आर्क वेल्डिंग, सॉलिड स्टेट वेल्डिंग, रेजिस्टेंस वेल्डिंग, थर्मोकेमिकल वेल्डिंग एंड रेडिएंट वेल्डिंग। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग सबसे पहले शुरुआत करते हैं आर्क वेल्डिंग से। तो हम लोग डिस्कस करते हैं कि आर्क वेल्डिंग में क्या है और इसके टूल्स क्या क्या हैं और कैसे करते हैं। तो आर्क वेल्डिंग में जो हम लोग वेल्डिंग करते हैं, हमने बात की कि किन्हीं भी दो धातुओं को हम लोग जोड़ते हैं उत्पन्न की गई ऊष्मा के द्वारा। तो यहाँ पर जो हम लोग ऊष्मा उत्पन्न करते हैं दो धातुओं को जोड़ने के लिए, वो हम लोग उत्पन्न करते हैं थ्रू द करंट। तो हमारे पास दो चीजें होती है, एक एनोड और एक कैथोड, यानी दो इलेक्ट्रोड होते हैं जिनके बीच में हम करंट पास कराते हैं, और उस करंट के थ्रू जो हीट जनरेट होती है, जो ऊष्मा जनरेट होती है, उसमें हम किन्हीं भी दो धातुओं को पिघला करके जोड़ते हैं। तो आइए देखते हैं इसके लिए हम लोग क्या क्या टूल्स यूज करते हैं। तो सबसे पहले हमें मार्किंग करनी पड़ेगी, जो भी सरफेस हमें वेल्ड करना है उसका मार्क करना पड़ेगा, कितना बड़ा लेना है। तो उसके लिए हम लोग इस स्केल का यूटिलाइजेशन करते हैं। साथ ही साथ हम लोग यूज करते हैं स्क्राइबर, क्योंकि मेटल है उसमें हम पेंसिल से निशान नहीं लगा सकते, इसलिए हम लोग स्क्राइबर का यूटिलाइजेशन करेंगे। स्क्राइबर में पॉइंट होता है, इस पॉइंटेड पोर्शन के थ्रू हम लोग कट करते हैं। इसके बाद आता है हमारे पास हैक्सॉ। जिस भी चीज को हमें कट करना है उसके लिए हम लोग ये कटिंग टूल हैक्सॉ यूज करेंगे। इस हैक्सॉ में ये हमारा हैक्सॉ ब्लेड लगा हुआ है और ये हमारा हैक्सॉ फ्रेम है। इसके बाद हम लोग यूज करते हैं, जब हम लोग कट कर लेंगे उसके बाद हमारे पास ये फाइल आता है। बहुत तरीके की फाइल होती है, ट्रायंगुलर फाइल होती है, रेक्टेंगुलर फाइल होती है, स्क्वायर फाइल होती है। तो इस तरीके से कई तरीके की फाइल्स होती हैं जिनको हम यूज़ करते हैं यहाँ पे। तो यहाँ पे हम लोग फाइल का यूज करते हैं, ठीक है, सरफेस को स्मूथ करने के लिए। ये हम लोग पहले भी बात कर चुके हैं, ये हमारा ट्राई स्क्वायर है जिसको हम लोग यूज़ करते हैं राइट एंगल्स को देखने के लिए। उसके अलावा ये हमारा होल्डिंग टूल है, जो मेटल हीट होगा तो उसको पकड़ने के लिए। हमने देखा होगा जब हम लोग वेल्डिंग करते हैं, तो वेल्डिंग जब मेटल सॉलिड स्टेट में आ जाता है तो वहाँ पर एक परत जम जाती है, उस परत को हम लोग बोलते हैं स्लैग। वो एक तरीके की अशुद्धि होती है जिसको हमें हटाना पड़ेगा। तो उसके लिए हम लोग यूज़ करते हैं इस चिपिंग हैमर को, ठीक। इसके अलावा हम लोग यूज़ करते हैं इस वायर ब्रश को। ये हमारा, ये दोनों ही चीज़ें हमारी क्लीनिंग डिवाइस है। इसके अलावा हम लोग यूज करते हैं ये वेल्डिंग हेलमेट, ये हमारा सेफ्टी इक्विपमेंट है। वेल्डिंग ग्लव्स, ये भी हमारे सेफ्टी टूल्स में आता है। ये जो एप्रन पहने हुए हैं, ये एप्रन भी हमारा सेफ्टी के इंस्ट्रूमेंट्स में आता है। अब हम लोग देखेंगे कि किस तरीके से हम लोग काम करते हैं। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, 50 mm × 50 mm के दो टुकड़े कट करने हैं। तो हम लोग एक्सपेरिमेंट स्टार्ट करते हैं बेंच वाइज, जो कि हमने देखा था हर जगह यूज हो रही है, तो यहाँ पर भी हमने बेंच वाइज को यूटिलाइज किया है। नेक्स्ट, अब हम लोग बेंच वाइज को खोलेंगे, टुकड़े लगाए। अब इन दो टुकड़ों को हम लोग हैक्सा की मदद से धीरे धीरे कट करेंगे। जो हम लोग कट करना स्टार्ट करेंगे, धीरे 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 कट करेंगे। ये देखिए दो टुकड़े हमें मेटल के मिल गए हैं 50 mm × 50 mm के। अब हम इन दोनों टुकड़ों को देखेंगे कि ये राइट एंगल है कि नहीं है। तो हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, ट्राई स्क्वायर को यूटिलाइज करेंगे और देखेंगे। अगर ये सरफेस फ्लैट है तो इस स्केल और इस सरफेस के बीच में किसी भी तरीके की रोशनी आर पार नहीं होगी। अगर होगी तो इसका मतलब वो सरफेस हमारा फ्लैट
नहीं है। तो अब हम लोग क्या करेंगे, इसको चारों तरफ से फ्लैट करेंगे और स्मूथ करेंगे। तो दोबारा हम लोग इसको वॉइस में फिट करेंगे। और फाइल की मदद से इसके चारों कॉर्नर्स को हम लोग फ्लैट करने की कोशिश करेंगे। जब ये हमारा चारों तरफ से फ्लैट हो जाएगा तब हम लोग क्या करेंगे, अब हमें इसमें ग्रूव बनाना पड़ेगा, क्योंकि मेटल डिपॉजिट के लिए हमें यहाँ पे ग्रूव बनाना पड़ेगा। तो वो जो जिसको हम लोग बोलते हैं जॉइंट प्रेपरेशन, तो कई तरीके के जॉइंट्स होते हैं, वी जॉइंट होते हैं, सिंगल वी जॉइंट, बट डबल वी जॉइंट, बट जॉइंट और यू टाइप का जॉइंट, कई तरीके के एल जॉइंट है, एच जॉइंट है, कई तरीके के जॉइंट्स हम लोग यहाँ पे तैयार करते हैं। तो यहाँ पर जो हम लोग तैयार करने जा रहे हैं वो हम लोग सिंगल वी बट जॉइंट तैयार करने जा रहे हैं। तो सबसे पहले हम लोग इसकी मार्किंग स्टार्ट करेंगे। तो मार्किंग के लिए हम लोग जितना बड़ा भी जनरली क्या होता है 45 डिग्री का हमारा वी नॉट जो तैयार होता है उसका एंगल 45 डिग्री होता है, करीब 1 mm होता है उसकी लेंथ एज से। तो हम लोग यहाँ पे मार्किंग 1 mm का हमने निशान लगाया है। टेन एम एम का निशान लगाने के बाद अब हम लोग क्या करेंगे, ये यहाँ पे हमने 10 mm का निशान लगा लिया, अब इसको हम लोग वॉइस में फिट करेंगे। और जो हमने ये 10 mm का निशान लगाया था, इस 10 mm के निशान को इस जो पीछे वाला हमारा एज है इससे मिला करके 45 डिग्री का एक एंगल तैयार करेंगे। अब देखिए हमारे पास ये वी जो हमने बोला था 45 डिग्री का एक टेपर हम क्रिएट करेंगे जिससे वी जॉइंट बन जाए। तो देखिए दोनों टुकड़ों पे हमने ये वी एच तैयार कर लिया है।